स्टार्ट। आज जो भैया लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, और ये मेरा स्लाइड स्लाइड नहीं शेयर हो रही है। नो शेयर नहीं हो रही है, ये क्या बात है? सर। हाँ अब चेक करो। ये सर अब हो रही है। चलो डन। हाँ तो भैया लिख लो हेडिंग, दैट इज सेमीकंडक्टर्स। गुड इवनिंग प्रतिभा मैडम, साथ थोड़ा लेट। तनिषा मैडम थैंक यू थैंक यू। चलो यार स्टार्ट करते हैं। अदर भाई सबसे पहले मेरे को बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स? और थोड़ा अच्छा वाला डिफरेंस बताना, सिर्फ ये मत बताना कंडक्टर्स फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर डजंट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, ये सब में कोई बढ़िया वाला। भाई सुनाई दिया क्या बोला मैंने? इंसुलेटर हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड कंडक्टर हैव नॉट एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। चलो भाई देखो, हमारे पास बेसिकली अगर हम बात करें, तीन टाइप के मटेरियल्स हमने क्लासिफाई करे हैं बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। मतलब हमने कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के हिसाब से चीजों को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूं कंडक्टर्स की, तो यार हमारे कंडक्टर्स में जो रेजिस्टिविटी है वो कम होगी या ज्यादा होगी? अरे यार क्या हो गया, शांत क्यों हो? थोड़ा सा सोच के तो बता ही सकते हो भाई। वेरी गुड, कंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, 10^-2 से लेके 10^-8 रेजिस्टिविटी बहुत लो होती है। और हमें पता है कि भैया 1/ रेजिस्टिविटी बेसिकली होता है कंडक्टिविटी। तो यही चीज मैं कह सकता हूँ कंडक्टिविटी के लिए कि भैया रेजिस्टिविटी अगर बहुत लो है तो जो कंडक्टिविटी होगी वो बहुत ज्यादा हाई होगी। तो कंडक्टिविटी हमारी होगी 10^2 से लेके 10^8 तक। क्या ये चीज क्लियर है? उसके बाद अगर थोड़ा सा भैया वो उसमें आ जाओ, बाद में पार्टी शार्टी और इन सब की बातें कर लेना। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंसुलेटर्स की, तो यार इंसुलेटर्स के अंदर एग्जैक्टली उल्टा। इंसुलेटर्स के अंदर यार हमारी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। कितनी होती है भैया? फिर से यही वैल्यूज लिख दो, 10^2 से लेके 10^8। तो रेजिस्टिविटी अगर बहुत हाई है तो मतलब इसकी कंडक्टिविटी बहुत लो होगी। कंडक्टिविटी बहुत लो है। नहीं रितिका मैडम नाराज नहीं, पहले बाद में पहले ये कर लो ठीक है। तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यार अगर मैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में डिफरेंस की बात करूं, तो हमारे कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत लो है, कंडक्टिविटी बहुत हाई है। इंसुलेटर्स में एग्जैक्टली उल्टा, रेजिस्टिविटी बहुत हाई है इसलिए करंट फ्लो नहीं कर सकता, कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा लो है। ऐसे ही अब तीसरा आता है हमारे पास सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स इन दोनों का कह सकते हो इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट का मतलब इसकी रेजिस्टिविटी ना तो बहुत ज्यादा हाई है ना तो बहुत ज्यादा कम है। सिमिलरली कंडक्टिविटी, वही सेम बात, ना तो बहुत ज्यादा हाई है ना तो बहुत ज्यादा लो है। तो जैसे अगर मैं सेमीकंडक्टर्स की बात करूं, तो हमारे जो सेमीकंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी है वो है अप्रोक्सीमेटली 10^0 से लेके, मतलब 10 से लेके या 10^1 से लेके 10^2 तक, इसके इंटरमीडिएट। कंडक्टिविटी की बात करें तो भैया यही वैल्यू चेप सकते हो, कंडक्टिविटी इज 10^-2 टू 10^0। तो मेरे को बताओ फिर भैया सेमीकंडक्टर्स का एडवांटेज क्या है? इसकी तो ना कंडक्टिविटी इतनी हाई, क्योंकि देखो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट यही तो होना चाहिए कि भैया कंडक्टिविटी हाई हो, क्योंकि जितनी ज्यादा हाई कंडक्टिविटी होगी मतलब आप उतना इजीली करंट फ्लो करा सकते हो और उतना लार्ज करंट फ्लो करा सकते हो। तो वो तो हमारा कंडक्टर्स है, तो फिर सेमी कंडक्टर्स के रिक्वायरमेंट ही क्या है? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया भाई? क्या हो गया, रिस्पॉन्स इतना कम क्यों चल रहा है? फिर कोई रिस्पॉन्ड नहीं भैया, रिपीट। मैं कह रहा हूं हमें चाहिए हाई कंडक्टिविटी,
वो है कंडक्टर्स के पास, उसमें इजीली करंट फ्लो करा सकते हैं। इंसुलेटर की तो बात ही छोड़ दो, उसमें तो हम करंट फ्लो ही नहीं करा सकते क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है। तो मैं बोल रहा हूँ जब हाई कंडक्टिविटी के लिए हमारे पास ऑलरेडी कंडक्टर्स है, तो फिर यहाँ पे सेमी कंडक्टर्स का यूज क्या आएगा? गुड इवनिंग मुस्कान, गुड इवनिंग रिचविका। आप कह रहे हो कि इसकी वजह से क्या होगा, हाई रेजिस्टिविटी लीड्स टू शॉर्ट सर्किटिंग। नहीं तो भैया आप ध्यान दो यार, कंडक्टर्स के पास कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है कंडक्टर्स में? सबसे पहला डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं, या यही बात करूं कि सेमी कंडक्टर्स में क्या क्या एडवांटेज है, तो सबसे पहला एडवांटेज कि सेमी कंडक्टर्स के अंदर हम कंट्रोल्ड फ्लो करा सकते हैं। कंट्रोल्ड फ्लो का मतलब कि हम चार्जेस डिसाइड कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो करना चाहिए और कितना अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो नहीं करना चाहिए। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. यार देखो, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पेन मेटल का ले लो, तो मतलब ये कंडक्टर बन गया। अब कंडक्टर के साथ क्या है, रूम टेम्परेचर पे ही हमारे सारे चार्जेस अपना बॉन्ड तोड़ देंगे और हमारे चार्जेस फ्री हो जाएंगे। तो अगर अब मैं इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करूं, तो अब इस केस में ऐसा नहीं है कि कुछ चार्ज रुका रहेगा और कुछ चार्ज फ्लो करेगा। अगर मैं जैसे ही बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा तो जितना भी चार्ज फ्री है वो सारा का सारा मूव करेगा। तो इधर आप अमाउंट ऑफ चार्ज कंट्रोल नहीं कर सकते, उस चीज को हम कह रहे हैं कंट्रोल्ड फ्लो, कि हम अमाउंट ऑफ चार्ज कंट्रोल नहीं कर सकते, जितना भी चार्ज फ्री है सारा का सारा मूव करेगा। लेकिन सेमी कंडक्टर्स में हम क्या कर सकते हैं भाई, सेमी कंडक्टर्स में हम अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अगर हमें ज्यादा करंट फ्लो कराना है तो हम ज्यादा चार्जेस को फ्री करा सकते हैं, और अगर मेरे को कम करंट फ्लो कराना है तो मैं सिर्फ कम चार्जेस को ही फ्री करूंगा। मतलब इधर हम उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज भाई, कंडक्टर्स के अंदर, भाई रिपीट, कंडक्टर्स के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है, वो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। मतलब आप इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं कर सकते। एग्जाम्पल भाई, जैसे मैंने कहा कि ये मैंने कोई कंडक्टिंग वायर ली है और इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं बैटरी से, ठीक है, प्लीज ध्यान देना, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया किसी बैटरी से, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, तो मेरे को बताओ अभी इस सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर एंटी क्लॉकवाइज। भाई गलत, हमारा करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से फ्लो करता है टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, इस तरीके से करंट फ्लो करेगा और वापस नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएगा। तो अगर मैं अभी बात करूं हमारे करंट की डायरेक्शन क्या हो गई है, हमारे करंट की डायरेक्शन अभी क्लॉकवाइज हो गई है। लेकिन अगर अब मैं बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दूं, अब मैंने इधर नेगेटिव कर दिया और इधर पॉजिटिव कर दिया, तो क्या करंट फ्लो करेगा या नहीं? और अगर करंट फ्लो करेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो अगर मैं बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर दूं तो ये कंडक्टर करंट फ्लो करने से मना नहीं करेगा। ये कंडक्टर कहेगा भाई मेरे को तो बैटरी से मतलब है, चाहे तुम जैसे मर्जी कनेक्ट कर दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब की बार क्या होगा, अब की बार करंट फिर से वही पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, तो इसकी वजह से बस करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अब करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो इसने क्या करंट की डायरेक्शन को रोका, फिक्स किया? नहीं। चाहे यहां से करंट फ्लो कराओ चाहे यहां से फ्लो कराओ, ये तो दोनों केसेस में फ्लो करवा रहा है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज की तरह काम करता है कुछ केसेस में। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं करंट को एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कराना, और अगर वो दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करे तो उसको रोकना। जैसे आपके ने भैया सबने पानी का वॉल्व देखा है, मोटर के आगे पानी का वॉल्व लगा होता है। तो पानी का वॉल्व क्या करता है, जैसे अगर ये हमारे पास एक पाइप है, ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पे एक वॉल्व कनेक्ट किया हुआ है मैंने, ये एक वॉल्व है, आप सबने देखा ही होगा वॉल्व का डायग्राम, कुछ ऐसा वो नहीं है, ये इस टाइप का एक वॉल्व होता है। तो भैया वॉल्व क्या करता है, वॉल्व पानी को केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देता है। अगर पानी इस तरीके से फ्लो करेगा तो ये फ्लो करने देगा, लेकिन जैसे ही मैं वॉल्व बंद कर दूं तो भैया हमारा पानी दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने नहीं देगा। तो भैया क्या हमारे जो कंडक्टर्स हैं क्या वो इलेक्ट्रिक वॉल्व की तरह काम करते हैं? नहीं, वो तो करंट को दोनों डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं। लेकिन सेमी कंडक्टर्स का एडवांटेज यही है
कि ये हमारी डायरेक्शन को फिक्स कर देते हैं, दे एक्ट एज इलेक्ट्रिक वॉल्स. क्या आपको ये वाली बात भी समझ में आई है? Yes, sir. कैसे करेगा वो सब तो अभी आगे पढ़ेंगे, बस इतना चेक करो कि इतनी समझ में आ रही है कि ये इलेक्ट्रिक वॉल्व का काम कैसे करता है. कि भैया अगर करंट राइट साइड जा रहा होगा तो ये उसको जाने देगा, लेकिन अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये मना कर देगा, ये उसको कंप्लीटली रोक देगा. सेमी कंडक्टर्स में ये एक एडवांटेज है, कंडक्टर्स में ये एक एडवांटेज नहीं था. आई होप ये क्लियर हो गई होंगी चीजें. Yes, एक और लास्ट चीज, कंडक्टर्स के अंदर, अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूं, कंडक्टर्स के अंदर चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, मतलब कौन से चार्ज होते हैं जो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या दोनों? इलेक्ट्रॉन. भाई वेरी गुड, याद रखना कंडक्टर्स के अंदर केवल इलेक्ट्रॉन है जो करंट को प्रोड्यूस करना, करंट को जनरेट कराने के लिए, फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ऐसे ही अगर हम मैं बात करूं सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर भैया ये भी एक एडवांटेज है कि अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के साथ कोई एक और चीज होती है जिसके बारे में आपने अभी तक नहीं सुना, नहीं पढ़ा, और उस नई चीज का नाम है होल्स. भैया इसके अंदर सिंस दो चीजें करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो सेमीकंडक्टर्स में हम चाहें तो लार्ज करंट भी फ्लो करवा सकते हैं. आई होप आपको ये यहाँ तक का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्लियर हो गया होगा. Yes, sir. Yes, sir. तो पहले यहाँ तक पूरा नोट डाउन कर लो, और कोई डाउट है तो पूछो. भैया कुछ बुक्स में ये वैल्यू याद रखना 10^0 से लेके 10^5 तक गिवन है, तो आप क्या करना, वैसे वैल्यूज याद नहीं रखनी, फिर भी एनसीईआरटी में जो वैल्यूज गिवन हो प्रेफर उसी को करना कि आप वही वैल्यूज याद रखो. रितिका बिल्कुल, होल्स they act as a positive charge, they are not positive charge, they act as a positive charge, kyunki agar ye positive charge hote to hum inko proton ka hi naam de dete. Yes sir, ye activity jo hai wo protons ki tarah show karte hain. Bilkul exactly sahi. Kya aapke schools mein ho gaya ye semiconductors wala topic? No sir, abhi dual nature bhi nahi hua complete. Abhi dual nature bhi nahi hua. Chalo fir to matlab hum bahut aage hain, dual nature wagera sab ho gaya hamara, to बस हमारा एक रह गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो खुद दूसरा वो करते हैं. जितिन आप कह रहे हो सर ये वॉल्स वाला टॉपिक रिपीट करा दो, चलो ठीक है. देखो ऋत्वी जितिन, मैं फिर से कह रहा हूं, कंडक्टर्स के अंदर क्या है कि अगर जैसे अल्टरनेटिंग करंट, जितिन अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर थोड़ा बहुत याद है? ऑल्टरनेटिंग में क्या होता है, बैटरी की पोलैरिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती है. जैसे अगर मैं ऑल्टरनेटिंग करंट ड्रॉ करूं तो ये डायग्राम होता है हमारे ग्राफ ऑल्टरनेटिंग करंट का, कि आधी साइकिल के लिए क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो आधी साइकिल के लिए एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, मतलब डायरेक्शन चेंज होती है, किसी को भी क्लॉकवाइज कह दो, किसी को भी एंटी क्लॉकवाइज कह दो. तो यार कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है कि अगर मेरी बैटरी की पोलैरिटी अगर ऐसी है तो करंट फ्लो करेगा क्लॉकवाइज, ये करंट को नहीं रोकेगा, और अगर अब बैटरी की पोलैरिटी अपोजिट हो जाती है तो भी ये करंट को नहीं रोकेगा, ये कहेगा कि भैया कोई दिक्कत नहीं, पहले बस करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा था तो अब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा. मतलब कंडक्टर किसी भी डायरेक्शन में करंट फ्लो करा सकता है, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज. यहां तक बात क्लियर है? Yes. लेकिन सेमीकंडक्टर्स में ऐसा नहीं है. सेमीकंडक्टर एक्ट एज अ गेट, एक तरीके से कह सकते हो गेट की तरह काम करता है. क्या गेट की तरह काम करता है ये, कि भैया अगर करंट कोई भी एक डायरेक्शन हम इससे फिक्स करा सकते हैं, जैसे कि अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो ये कहेगा कि भैया कर लो कोई दिक्कत नहीं है, क्लॉकवाइज चल रहे हो तो मैं करंट फ्लो करने दूंगा. लेकिन अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करने की कोशिश करेगा तो वो अपना डोर क्लोज कर देगा, वो कहेगा नहीं मैं एंटी क्लॉकवाइज तो फ्लो नहीं करने दूंगा, मैं आपको करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने दूंगा. क्या ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? Yes. तो यही चीज हमें पढ़नी है चैप्टर में, कि सेमीकंडक्टर्स में ऐसा क्या है और किस तरीके से वो ये एक इलेक्ट्रिक डोर इलेक्ट्रिक वॉल्व का काम कर रहा है कि वो केवल एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने की परमिशन दे रहा है, दूसरे में नहीं दे रहा, ऐसा क्या हो रहा है, तो वो चीज हम पढ़ेंगे. लेकिन बस फिलहाल के लिए मैंने कहा इतना ही याद रखो कि इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रिक डोर इलेक्ट्रिक वॉल्व,
क्योंकि वॉल्व का काम यही होता है कि चीजों को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराना, जैसे कि वाटर वॉल्व होते हैं। क्लियर है जतिन? चल डन, बढ़िया। हाँ ये भी है, सही बात है मैडम। चलो भैया जैसे नोट डाउन हो जाए बता दो, आगे भी बढ़ना है भाई। डन सर। डन, चलो बढ़िया हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। अब यार याद रखना हमारे क्या कहते हैं सेमीकंडक्टर्स की खासियत क्या है। हमारे जनरली वो वाले मटेरियल सेमीकंडक्टर्स की तरह एक्ट करते हैं जिनकी वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। आई रिपीट, जनरली हमारे सेमीकंडक्टर कौन से एलिमेंट बनेंगे, जनरली हमारे वो वाले एलिमेंट सेमीकंडक्टर्स का काम करते हैं जिनकी वैलेंसी 4 होती है। क्योंकि वैलेंसी 4 होने का भी एक अलग फायदा है। क्या फायदा है भैया? जो जिसकी वैलेंसी 4 है ये दो नेचर रखता है। दो नेचर क्या भैया? ये चाहेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले और वैलेंसी अपनी कंप्लीट करके न्यूट्रल बन जाए, या फिर ये क्या करेगा, ये चाहेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे ताकि फिर से इसकी वैलेंसी 0 हो जाए और ये न्यूट्रल बन जाए। क्या ये वाली बात क्लियर हुई? यस सर। एक मिनट रखना प्लीज, यहाँ पे कुछ रैली टाइप निकल रही है, शोर आ रहा है, एक मिनट। चलो भाई रिपीट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, मेरे को बताओ अगर वैलेंसी किसी की 2 है तो इसका नेचर क्या होगा? क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन्स ले न्यूट्रल होने के लिए या 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दे डोनेट करने के लिए? बिल्कुल, तो इसका तो यही रहेगा कि भैया कि मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट, तो इसका एक ही टाइप का नेचर हो गया डोनेट करने का, डोनर। सिमिलरली भैया अगर किसी की वैलेंसी सपोज 6 है या 7 है तो इसका नेचर कैसा होगा, एक्सेप्टर या डोनर? एक्सेप्टर। बिल्कुल, इसका नेचर एक्सेप्टर हो जाएगा, ये डोनर नहीं हो सकता क्योंकि अपने 6 या 7 इलेक्ट्रॉन थोड़ी डोनेट करेगा। ये बोलेगा कि भैया मेरे को तो 1-2 की रिक्वायरमेंट है, ऐसा कर मैं डोनेट तो नहीं कर रहा, तुम मेरे को दे दे ताकि मैं न्यूट्रल हो जाऊं। तो ये एक तरीके से अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये सारे सेल्फिश लोग हैं, भैया ये नहीं ये नहीं। अब हमारे सेमीकंडक्टर्स का सबसे अच्छी बात यही है कि उसकी वैलेंसी 4 है, तो ये दोनों नेचर रखता है। ये अपना नेचर एक्सेप्टर भी रखता है, ये कहेगा कि भैया मैं तो 4 लेने के लिए भी तैयार हूं अगर कोई दे रहा है तो, बाकी अगर कोई नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, मैं 4 डोनेट करने के लिए भी तैयार हूं, बस मेरे को तो अल्टीमेटली न्यूट्रल करना है। का बिल्कुल सही, सेमीकंडक्टर एक्ट्स एज अ मीडियोकर, बिल्कुल सही। तो हमारे जो बेस्ट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, याद रखना सेमीकंडक्टर्स भी 2 टाइप के होंगे। एक होगा हमारे पास एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, मतलब इसके अंदर सिंगल एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा जनरली हम कौन से यूज करते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, याद रखना ये सबसे बेस्ट सेमीकंडक्टर्स है हमारे पास, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम्स। इसलिए आपने देखा होगा जो हमारे सोलर पैनल्स होते हैं, सबने देखे हैं सोलर पैनल्स, ब्लैक कलर की शीट लगी होती है, वो सारी की सारी जो सोलर पैनल की शीट्स है वो सारी की सारी शीट्स जनरली सिलिकॉन की होती है या जर्मेनियम की होती है, और अगर तुम ज्यादा पूछो तो ज्यादातर सिलिकॉन की होती है। भैया आपको अब ये भी याद रखना पड़ेगा सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, वैलेंसी तो 4 है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, एटॉमिक नंबर कितना है? 14। भाई वेरी गुड, एटॉमिक नंबर 14 है, इसलिए अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछूं तो 2, 8 and 4, ठीक है। ऑर्बिटल्स पे नहीं जा रहा हूं अभी, ऑर्बिट्स की बात कर रहा हूं। सिमिलरली जर्मेनियम का भैया एटॉमिक नंबर कितना है भाई? जर्मेनियम 32। भाई वेरी गुड, 32। तो अगर मैं इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो 2, 8, 8, ये कितना हो गया 10, 18, 18, 8, मतलब देख लेना एट दी एंड हमारे पास, चेक करो मैंने सही लिखा है, 24, 28, 30, नहीं एक और आएगा ना, ये सर एक और ऑर्बिटल आएगा, मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या? मेरे को लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ करी है, चेक करो। यस सर, 6 आएगा ना लास्ट में, आएगा लास्ट में, लास्ट में 6 आ रहा है तो वैलेंसी तो 4 हुई नहीं ना इसकी, और हमें तो वैलेंसी 4 करानी है, ऑर्बिटल के केस में तो सही बैठ रहा है ये सब। चलो कोई नहीं, अभी देखते हैं इसको ऑर्बिटल के उस टर्म्स में लिख दूंगा, अभी रुक जाओ, बस ये याद रखना सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 और जर्मेनियम का 32, वैलेंसी दोनों की 4 ही है,
ऐसे ही दूसरा होता है हमारे पास कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स का मतलब समझ ही गए हो, कंपाउंड फॉर्म में होगा, जैसे कि भैया इसके अंदर होता है गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, इस तरीके के हमारे कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। लेकिन जनरली अगर बात करो हम कौन से ज्यादा यूज करते हैं, हम ज्यादातर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स ही यूज करते हैं। आपने क्या लिखा है सेमीकंडक्टर के बाद? रिपीट कर देता हूं, यहाँ पे मैंने लिखा एलिमेंटल सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम, कंपाउंड सेमीकंडक्टर जीए गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम फॉस्फाइड। हर किसी के बस दो दो एग्जांपल याद रखने हैं जो कभी कभी वन मार्क्स में बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है, और कुछ नहीं। जर्मेनियम आप कह रहे हो 2888 60 कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमने उसमें गलती करी है। हम ऑर्बिटल के फॉर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे रिजुका मैडम, उसमें सही आ जाएगा। 1s2 2s2 2p6 उसमें करूंगा ना तो हमारे पास वैलेंसी 4 आ जाएगी। जैसे एक बार ट्राई कर लो हाथ की, यार मेरे को भैया ऑर्बिटल्स के फॉर्म में बताओ तो ये कितना हो जाएगा 1s2, फिर कितना हो जाएगा 2s2 2p6, फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3s2 और फाइनली 3p1। नहीं, 1 कैसे आ रहा है, 10 12 और ये 2, तो देखो 3p2 डन। तो देखो लास्ट वाले में तो 4, यहाँ पे तो सेटिस्फाई हो ही रहा है, पहले भी हो रहा था यहाँ पे। ऐसे 32 वाले का ट्राई करो तो आपके पास जो ऑर्बिटल्स आएंगे उसमें वैलेंसी आपको अपने आप 4 पिक्चर। थोड़ा जल्दी इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं, ये वैसे भी हमारे इतना मुद्दे की बात नहीं है। जैसे नोट डाउन हो जाए बता देना। चलो सबका डन आ गया, लेट्स प्रोसीड। तो यार ये तो हो गया बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, कि भैया बेस्ड ऑन द मटेरियल कि हम किससे बनवा रहे हैं, तो ये तो उस पे बेस्ड हो गया। अब यहां से एक तरीके से याद रखना हमारा चैप्टर मेन यहां से स्टार्ट है भाई, बेस्ड ऑन द चार्ज कैरियर्स। ठीक है, बेस्ड ऑन द चार्ज कैरियर्स हमारे पास सेमीकंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि बेस्ड ऑन चार्ज कैरियर्स हमारे पास सेमीकंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप के होते हैं भैया? एक होता है हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की खासियत क्या होती है कि इसके अंदर, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि भैया हमारे पास दो टाइप के चार्ज कैरियर्स होंगे सेमीकंडक्टर्स में, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है कि भैया हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं। तो मतलब इधर हमारे पास करंट में दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन शो करेंगे। तो अगर मैं इधर लिखूं कि करंट, तो इधर हम लिखेंगे कि भैया करंट, टोटल करंट विल बी इक्वल टू करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल्स। पहले चेक करो यहां तक की बात समझ में आई है? अब मैं आपको इसका एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा, उससे आपको समझना है। याद रखना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का दूसरा नाम होता है प्योर सेमीकंडक्टर्स, प्योर, क्योंकि इसके अंदर कोई इम्प्यूरिटीज नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। तो आओ मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ भैया, मैं लैटिस स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ सिलिकन का। ठीक है, तो भैया क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए क्या किया, मैंने यहाँ पे एक सिलिकन एटम लिया, यहाँ पे एक सिलिकन एटम, यहाँ पे एक सिलिकन एटम, यहाँ पे, यहाँ पे। भैया डायग्राम को समझ लेना क्योंकि सारा खेल इसी डायग्राम के ऊपर है। अब अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया तो मतलब आपका आधा चैप्टर का काम तो हो ही जाएगा। भाई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब हमारे बहुत सारे एटम्स, एन नंबर ऑफ एटम्स, बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के क्लोज आके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब वैलेंसी 4 होने का फायदा भी मैंने आपको बता ही दिया था। वैलेंसी 4 होने का फायदा क्या है कि भैया ये चाहे तो डोनर की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और ये चाहे तो किसकी तरह एक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्टर की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। तो यार इसी चक्कर में क्या करते हैं, ये अपने हर एक एडजेसेंट वाले एटम के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं। आई रिपीट,
भैया डोनर और एक्सेप्टर दोनों नेचर होने की वजह से ये क्या करते हैं, अपने साथ वाले सिलिकन एटम के साथ ये बॉन्ड्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो आप सेंटर वाले सिलिकन एटम को पकड़ो, भैया सेंटर वाले सिलिकन एटम के साथ साथ चार एटम्स होंगे, एक इसके राइट में होगा, एक इसके लेफ्ट में होगा, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। तो ये क्या करेगा, ये अपने जो चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे ये अपने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे देगा शेयरिंग के लिए। चेक करो यहां तक बात समझ में आ रही है। यस सर, रिपीट कर दो। रिपीट करना है, पहले एक बार चेक करो ये समझ में आया कि मैंने ये क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है या ये भी समझ में नहीं आया। अरे जल्दी बताओ भैया, नो रिस्पॉन्स। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस तरीके से समझो कि भैया मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं, मेरे राइट साइड भी एक बंदा, मेरे लेफ्ट साइड भी एक बंदा, आगे भी एक बंदा है और पीछे भी एक बंदा है, और मेरे को भैया चीटिंग करने का पूरा वो दे जा रहा है कि भैया तुम चाहे तो चीटिंग कर सकते हैं। तो भैया मैं किसी एक के पेपर से थोड़ी देखूंगा, जब मेरे को चीटिंग करने की पूरी छूट दी जा रही है, पूरी फ्रीडम दी जा रही है, तो भैया मैं तो चारों के पेपर में देखूंगा। क्या यहाँ तक की बात क्लियर हो रही है? एक मिनट रुको प्लीज। हाँ तो भाई रिपीट, तो मैं यही बोल रहा हूं, तो इधर सिलिकॉन के साथ यही हो रहा है, भैया सिलिकॉन के पास है चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वो चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये मतलब देने के लिए चार लोग प्रेजेंट भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वही मैंने कहा कि भैया मेरे पास कोई चार चीजें हैं, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ, मैं चाहे तो डोनेट भी कर सकता हूँ। सपोज मेरा मन किया एक्सेप्ट करने का, तो भैया मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे? चार। चार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए चार एटम्स भी तो होने चाहिए। मैंने क्या किया, भाई किसी का माइक ऑन है और मेरी आवाज मेरे को ही रिपीट सुनाई दे रही है, माइक बंद। हाँ अब ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन राइट वाले से लिया, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले से लिया, एक इलेक्ट्रॉन आगे वाले से लिया और एक इलेक्ट्रॉन पीछे वाले से लिया। तो इस तरीके से मैंने चार इलेक्ट्रॉन्स ले ली। अब सिमिलरली अगर मेरा डोनेट करने का मन करेगा तो डोनेट में भी यही पैटर्न चलेगा। कैसा पैटर्न चलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दूंगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दूंगा, एक इलेक्ट्रॉन आगे वाले को और एक इलेक्ट्रॉन पीछे वाले को। तो इधर सिलिकॉन यही कर रहा है, ना तो ये एक्सेप्ट कर रहा है ना तो ये डोनेट कर रहा है, ये कह रहा है कि भैया ऐसा करते हैं शेयरिंग कर लेते हैं। शेयरिंग में क्या एडवांटेज होगा, वो बोलेगा कि भैया मेरे को भी चार मिल जाएंगे और मेरे भी चार इलेक्ट्रॉन तेरे भी काम आ जाएंगे, तो हम दोनों ही न्यूट्रल हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। भाई खुद सोचो ना, अगर दो एटम्स के पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे ये चार इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये दूसरा एटम इसके पास भी चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो भैया ये दोनों अपने दोस्ती कर लेंगे। दोस्ती क्यों करेंगे, ये दोस्ती इसलिए कर लेंगे कि वो बोलेगा कि भैया जब तेरे को चार इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट हो तुम मुझसे ले लियो और जब मेरे को चाहिए होंगे तो मैं तुझसे ले लूंगा। अल्टीमेटली हम अपने आप को न्यूट्रल बना लेंगे और हम सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो इनकी दोस्ती यारी यहीं पे हो रही है। तो इस बीच वाले सिलिकॉन एटम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन नीचे दे दिया। और अपने आप से अलग नहीं किया इसने इलेक्ट्रॉन को, इसने कहा कि भैया बस मैं शेयरिंग करने के लिए दे रहा हूं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो मतलब ये क्या कर रहा है, हर अपने एक एडजेसेंट एटम के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब चेक करो यहां तक कि जिसको डाउट है पहले तो वो पूछ लो आराम से कि भैया ये अपने हर एक साथ वाले बंदे के साथ शेयरिंग करने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो अभी हमारे सेमीकंडक्टर्स में कोई भी चार्ज फ्री नहीं है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड बनाने में बिजी हैं। और कंडक्टर्स में यही एक डिफरेंस है, कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में बिजी नहीं होते, वो एरोगेंट होते हैं, वो अपने आप फ्री घूमते हैं, वो कहते हैं मैं शेयरिंग में तो नहीं जाऊंगा मैं फ्री घूम लूंगा। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. वो कह रहा है हम किसी के काम तो नहीं आएंगे चाहे हमें फ्री घूमना पड़ जाए। चलो डन। अब क्या किया भैया, इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो हमने किसी भी तरीके से इनको एनर्जी दी। मैंने आपको ड्यूअल नेचर में पढ़ाई रखा है,
कि भैया हम बहुत तरीके हैं एनर्जी देने के, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई थर्मल एनर्जी मतलब हीट एनर्जी, या तो इलेक्ट्रिक कोलिजन्स, और भी बहुत तरीके होते हैं। तो सपोज मैंने कौन सा तरीका अडॉप्ट किया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैंने तरीका अडॉप्ट किया इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो यहाँ पे मैंने कैपेसिटर की प्लेट रखी है और इसको चार्ज कर दिया। भैया सपोज इसको मैंने बनाया पॉजिटिवली चार्ज्ड और इस वाली प्लेट को मैंने बनाया नेगेटिवली चार्ज, तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी मिलेगी और ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, यहां तक कभी समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये वाला सिलिकॉन एटम भी अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा था, बॉन्ड टूटा, जैसे बॉन्ड टूटा तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन की एनर्जी गेन होने की वजह से ये अपना ऑर्बिट छोड़ देगा, क्योंकि इसको आयनाइजेशन एनर्जी मिल जाएगी, और मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी बताया हुआ है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़कर कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्री हो गया। लेकिन जब ये एटम अपने ऑर्बिट को छोड़ के आया तो ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया, ये अपनी जगह पे एक वैकेंसी क्रिएट करके आ गया। अपनी जगह पे वैकेंसी क्रिएट करके क्यों आ गया, क्योंकि जो ये सात वाला सिलिकॉन एटम है इसने दोस्ती नहीं तोड़ी, ये तो अभी भी दोस्ती करने के लिए एक एटम देने के लिए तैयार है, तो इसलिए यहाँ पे है ना ये बॉन्ड टूटेगा तो सही, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल आपको क्या लेना है, एग्जाम्पल आपको लेना है क्लासरूम का, कि सपोज ये एक बेंच है, ये एक बेंच है और ये एक बेंच है, टोटल तीन बेंचेस हैं, डन। भाई मैं कह रहा हूं यहाँ पे सब लोग दोस्त बैठे हैं, ये एक दोस्त, ये एक दोस्त, ये एक दोस्त, ये इधर एक दोस्त, इधर एक दोस्त और इधर एक दोस्त, और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे फ्री हैं, इस तरीके से इमेजिन कर लो। तो मैंने इन दोनों की दोस्ती तोड़ी, इन दोनों की दोस्ती तोड़ी, तो भैया इसने जगह खाली कर दी, ये यहां से हट गया, ये कह रहा है कि भैया मैं फ्री घूम रहा हूं, ठीक है। लेकिन अब जब ये गया तो भैया क्या जगह थोड़ी खत्म हो गई, जगह तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई है, वैकेंसी क्रिएट हो गई है। अब ये जो बाकी लोग है ना, ये क्या करने की कोशिश करेंगे, सपोज ये सुंदर सी लड़की है, तो ये क्या करने की कोशिश करेंगे कि भैया जैसे इस लड़की का ब्रेकअप हुआ, ये इस लड़की से दोस्ती करने की कोशिश करेंगे, ये बोलेंगे भैया चलो हमारा नंबर लगने की बारी है, हम ट्राई मारते हैं इस लड़की पे। भैया एग्जांपल समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. ये बंदा इस वैकेंसी को फिल करने की कोशिश करेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे अब ये बंदा पहुंचेगा, इसको अगर मैं एनर्जी दे दूं तो फिर ये बंदा भी टूट के अलग हो जाएगा, फिर अलग दूसरा बंदा आएगा, वो इस वैकेंसी को फिल करने की कोशिश करेगा, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। ऐसे ही भैया अगर मैं सबकी दोस्ती तोड़वा दूं ऐसे, तो टोटल कितनी वैकेंसी क्रिएट हो रही है, तीन वैकेंसी क्रिएट हो रही है, तो तीन वैकेंसी तभी तो क्रिएट हुई जब हमने तीन बंदों को हटाया यहां से, तो इधर जितने बंदे हटा रहा हूं उतनी ही वैकेंसी क्रिएट हो रही है ना। तो बस आपको जो ये बंदे छोड़ के गए हैं, जो ये बंदे छोड़ के गए हैं, इनको आपको ट्रीट करना है एस इलेक्ट्रॉन्स, और जो जगह खाली हुई है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के आने के लिए, इस जगह को हम क्या कहेंगे, इस जगह को हम कहेंगे होल्स। अब चेक करो यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको? यस सर। यस सर। तो बस यही चीज यहाँ पे इमेजिन करनी, ये चीज क्या कंडक्टर्स के अंदर भी होगी? No, sir. क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर दोस्ती हो ही कहाँ रही थी, जो मेरे को बॉन्ड टूटेंगे और जगह बनेगी, कंडक्टर्स में तो कोई दोस्ती हो ही नहीं, वहां पे कोई बॉन्ड बनी नहीं है, तो भैया वहां पे कोई होल्स क्रिएट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स बस अपनी जगह छोड़ के चले जाएगा, वहां पे वैकेंसी क्रिएट नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी। अब मेरे को बताओ जो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है ये किधर जाएगा? इंटरस्टीशियल साइट। भैया अब जो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है ना, पॉजिटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, क्या ये वाली बात क्लियर हुई? यस डन। अब यही प्रोसेस को थोड़ा सा और समझो, भाई ऐसे यहाँ पे सारे बॉन्ड टूटेंगे, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी, तो यार यहाँ पे मैं होल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन पहले इधर जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, और फिर जाके ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट में जाएगा, तो मेरा इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ,
लेकिन जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन जंप करता करता जा रहा है, मेरा होल किधर ट्रांसफर होते जा रहा है? होल राइट साइड ट्रांसफर होते जा रहा है। yes. मेरे ख्याल से अभी भी ये एग्जांपल समझ में नहीं आया, दूसरे एग्जांपल समझाओ। सर हो गया क्लियर, सर आ गया समझ। चलो वेरी गुड, तो आपको बस अब इधर यही इमेजिन करना है कि चीजें हमारे पास है ना ऑर्डर में जा रही। ऑर्डर में कैसे भैया? ऑर्डर में इस तरीके से, जो यहाँ पे वैकेंसी हुई थी खाली, अब ये बंदा इधर जाएगा, ये बंदा इधर जाएगा, तो जब ये बंदा इधर जाएगा तो फिर भैया यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, फिर यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई तो ये बंदा इधर आएगा तो फिर यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, फिर ये बंदा इधर आएगा तो यहाँ पे वैकेंसी, फिर ये बंदा, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके शफलिंग होती जा रही है कि भैया एक एक करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने क्या देखा भैया, इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाना चाहिए था क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेचर तो नेगेटिव होता है, तो इसको पॉजिटिव प्लेट पे जाना था, ये तो बहुत लॉजिकल है। लेकिन हमारा जो होल्स है भैया, होल्स पीछे की तरफ जा रहा है। अगर होल्स पीछे की तरफ जा रहा है तो मतलब यार ये तो नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, तो अगर ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है तो मतलब ये होल्स किस तरीके का एक्ट कर रहा है? कौन सी चीज है जो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाती है? पॉजिटिव। तो हमें पता चल गया कि होल्स एक्ट एज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। आई रिपीट, हमने देखा होल्स का मोशन बेसिकली इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है। अगर कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जाएगी तो हम उसको एज अ पॉजिटिव चार्ज की तरह ही तो कंसिडर करेंगे। तो मेरा इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, वैकेंसी इधर आ रही है, तो भैया इट इज एक्टिंग एज अ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन मैं इसको प्रोटॉन क्यों नहीं कह रहा हूं, कोई ये समझा सकता है कि हमने जब ये पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट कर रहा है तो हम इसको प्रोटॉन क्यों नहीं कह रहे हैं? सर क्योंकि प्रोटॉन्स की तरह एनर्जी नहीं शो कर रहा है, इसलिए। क्योंकि प्रोटॉन के पास मास है, वो तो रियल में एग्जिस्ट करता हुआ एक पार्टिकल है, ठीक है भैया? प्रोटॉन के पास तो प्रॉपर मास है, ये तो प्रॉपर एक पार्टिकल है, इसमें हम अज्यूम नहीं कर रहे हैं। प्रोटॉन तो एक पार्टिकल है जिसके पास चार्ज भी है, जिसके पास मास भी है। लेकिन होल्स, होल्स कोई पार्टिकल नहीं है, होल्स तो खाली एक जगह है, एक वैकेंसी है, तो इसके पास कोई मास नहीं है, ये पार्टिकल है ही नहीं, बस इसका नेचर, इसका चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट कर रहा है, लेकिन ये कोई पार्टिकल नहीं। आई होप क्लियर हो गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। yes, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि भैया बंदे शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो होल्स कोई बंदा या बंदी नहीं है, होल्स तो खाली जगह है जो भैया एक एक्ट कर रही है पॉजिटिव की तरह बस। तो इसको हम किसी एक पर्सन का नाम नहीं दे सकते, तो इसलिए इसको हम प्रोटॉन का नाम नहीं दे सकते, बिकॉज इट इज अ वैकेंसी। That's it. ये डायग्राम पे वैकेंसी शो होती है यहाँ पे, क्या रिपीट? वैकेंसी शो होती है सर, अभी आप बता रहे थे। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे वैकेंसी होती है, होल्स इज बेसिकली वैकेंसी। थैंक यू सर। ओके, तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। ये खासियत है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, याद रखना प्योर सेमीकंडक्टर्स। आप खुद देखो, मैं जितने बॉन्ड तोड़ूंगा, एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ूंगा तो एक ही वैकेंसी क्रिएट होगी, दो इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ूंगा तो दो वैकेंसी क्रिएट होगी। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ूंगा उतने ही होल्स जनरेट होंगे, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स। तो इस डायग्राम को ठीक से ड्रॉ कर लेना, आप जितने इलेक्ट्रॉन फ्री दिखाओ उतने ही होल्स ड्रॉ करना। तो जैसे इधर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही होल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी सबको छोड़ रहा हूँ, एक ही होल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि आपको ये याद रहे जितने ही इलेक्ट्रॉन्स आप तोड़ोगे उतनी ही तो वैकेंसी क्रिएट होगी। डन, वेरी गुड। आ जाते हैं अब दूसरे टाइप वाले सेमीकंडक्टर्स में। दूसरा सेमीकंडक्टर है हमारा, जिसको हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का अगर मैं बात करूं, दूसरा नाम होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स।
इसके अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटीज ऐड की जाती है भैया, बहुत ज्यादा नहीं, याद रखना आप कभी भी ज्यादा इम्प्योरिटीज ऐड नहीं कर सकते, इसमें बहुत थोड़ी इम्प्योरिटीज ऐड करी जाती है, अप्रोक्सीमेटली 1%, बस इतनी ही इम्प्योरिटीज ऐड करी जाती है। और जो हम इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं उन इम्प्योरिटीज को हमने अलग से नाम दिया है कि भैया जो इम्प्योरिटीज हम ऐड करेंगे उनको हम कहेंगे डोपेंट्स। और इस प्रोसेस को, इम्प्योरिटीज ऐड करने के प्रोसेस को हम कहेंगे डोपिंग। यस सर। तो कोई पूछे भैया डोपिंग का मतलब क्या है, डोपिंग का मतलब है किसी एक प्योर सेमीकंडक्टर्स के अंदर बहुत हल्की सी अमाउंट में इम्प्योरिटीज को ऐड करना, और इम्प्योरिटीज का नाम होगा डोपेंट्स। अब इम्प्योरिटीज भी इधर हम दो टाइप की ऐड करेंगे, ठीक है, उसका भी रीजन समझाऊंगा, बस अभी देखते जाओ। हम दो टाइप की इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे, एक इम्प्योरिटीज होगी हमारे पास पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज, पेंटावेलेंट डोपेंट्स या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज, नाम से ही थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। क्या खासियत होगी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज की? सर पाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। भाई वेरी गुड, इधर अच्छा केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, इधर हमारे पास वैलेंसी 5 होगी। तो कौन कौन से भैया हमारे पास इम्प्योरिटीज एज अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से रिएक्ट करेंगी, ये बता दो। सर आर्सेनिक, आर्सेनिक और एंटीमनी। आर्सेनिक एंटीमनी, एक मिनट गलत लिख दिया क्या? हाँ ठीक है, अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, हाँ आर्सेनिक एंटीमनी, यूजली जल्दी ज्यादातर हम आर्सेनिक को ही कंसिडर कर लेंगे। भैया चेक करो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज का मतलब जिनकी वैलेंसी 5 होगी। सिमिलरली दूसरी होगी हमारे पास ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज का मतलब क्या होगा, जिनकी वैलेंसी कितनी होगी, जिनकी वैलेंसी 3 होगी। इसमें हम कौन कौन से एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं जिनकी वैलेंसी 3 होगी? सर गैलियम, हाँ ठीक है गैलियम, बाकी ज्यादातर इसमें हम यूज करते हैं बोरॉन और एल्यूमिनियम, बोरॉन एल्यूमिनियम इंडियम, और बाकी ऊपर वाले में आर्सेनिक ज्यादा यूज होता है या फिर फॉस्फरस ज्यादा यूज होता है। तो आप चाहे तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो फॉस्फरस भी, ऊपर फॉस्फरस, और इसकी वैलेंसी होगी हमारे पास 3। अब मेरे को बताओ हम यही दो इम्प्योरिटीज क्यों ले रहे हैं जिनकी वैलेंसी 3 है या जिनकी वैलेंसी 5 है, हम ऐसी इम्प्योरिटीज क्यों नहीं ले रहे जिनकी वैलेंसी 6 है या जिनकी वैलेंसी 2 है 1 है? सर क्योंकि सेमीकंडक्टर की वैलेंसी अगर 4 है तो उसके या तो एक कम या एक ज्यादा। वेरी गुड, और इसका रीजन यही है क्योंकि जिनकी वैलेंसी एक कम या एक ज्यादा होगी तो इनके साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। यस, और याद रखना हम वो ही इम्प्योरिटीज ऐड कर सकते हैं जिनका साइज ऑलमोस्ट सेम हो, क्योंकि अगर साइज सेम नहीं होगा तो लैक्टिस स्ट्रक्चर पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, और हम लैक्टिस स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं कराना चाहते, ठीक है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास बहुत सारे एटम्स है, बीच में अगर कोई मैं बहुत बड़ा एटम ऐड कर दूं तो भैया फिर तो सारे एटम कहीं ना कहीं इधर उधर साइड में पुश हो जाएंगे, तो वो पूरा लैटिस स्ट्रक्चर डिस्टर्ब कर देंगे। भाई बीच में मैं यहाँ पे वही तो एटम फिक्स करने की कोशिश करूंगा जिनका साइज इसके ऑलमोस्ट बराबर का हो, ताकि कहीं से कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, सबका जो डिस्टेंस था वो बराबर रहेगा तो ये स्ट्रक्चर पूरा स्टेबल स्ट्रक्चर रहेगा। तो इसलिए हम ऐसे इम्प्योरिटीज को सिलेक्ट करते हैं जिनका साइज, जिनकी वैलेंसी ऑलमोस्ट सेमीकंडक्टर के वैलेंसी के बराबर हो और साइज भी ऑलमोस्ट सेम हो, तो इसलिए पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज। सर हाँ बोलो। सर मैं एक बात बोल लूं आपको? बोल लो। सर आप वेटेज बता सकते हो प्लस वन प्लस टू के चैप्टर वाइज? वेटेज, अच्छा भाई यूजली आपका सबसे हाई वेटेज की बात करो वो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूनिट प्लस इलेक्ट्रिसिटी, ये सबसे ज्यादा वेटेज का रखता है। जैसे अगर मैं बात करूं हमारा करंट चैप्टर 7 मार्क्स का, एंड एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ, इस बार कुछ चेंजेस तो नहीं हुए। बाकी करंट हमारा 7 मार्क्स का होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी मोस्टली 7 मार्क्स का होता था, और पूरी मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स का मतलब है एटम्स, न्यूक्लियर एंड ड्यूअल नेचर,
ये टोटल मॉडर्न फिजिक्स 12 नंबर की होती है। अभी मैं थोड़ी देर में कंफर्म करके बता दूंगा, नहीं तो भाई नेक्स्ट क्लास पक्का बता दूंगा। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। उसने मेरे को डरा दिया वैसे आयुषी जी ने। चलो हाँ, तो यार अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, बेस्ड ऑन दी इम्प्यूरिटीज हमारे पास दो टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आएंगे। एक हमारा कहलाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, ये सेमी एक्सट्रिंसिक के अंदर है, याद रखना। एक्सट्रिंसिक के दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स, मैं ऐसा करता हूँ प्रीवियस पे लिख देता हूँ भैया कि एक्सट्रिंसिक के अंदर दो होंगे, एक होगा हमारा एन टाइप और एक होगा हमारा पी टाइप। एक मिनट रुकना प्लीज। चलो भाई हाँ, मैं बोल रहा हूँ एक्सट्रिंसिक के अंदर हमारे पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स है, एन टाइप एंड पी टाइप। भैया एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कब मिलेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हमें तब मिलेगा जब हम इसमें ऐड कर देंगे पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज। और इसके अंदर भैया इसके अंदर हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ होल्स। तो अगर मैं बात करूं आपको कि इधर करंट का कंट्रीब्यूशन किसकी वजह से होगा, भैया इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स दोनों की वजह से होगा, लेकिन मेनली मेन कंट्रीब्यूशन किसका होगा, भैया मेन कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का ही होगा। तो इधर भी मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, प्लीज आप चेक करना। यार हमारे पास याद रखना एन नंबर ऑफ एटम्स है, बहुत सारे एटम्स है, लेकिन मैं बहुत सारे एटम्स ड्रॉ नहीं कर सकता। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने पीछे डायग्राम ड्रॉ किया था वैसे ही डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ कि हम भैया नो एटम्स ड्रॉ कर देंगे। तो सिलिकन सिलिकन सिलिकन, इधर भी सिलिकन, ये ये ये, हमने बीच में एक पेंटावेलेंट डाल दी। भैया सपोज पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज, जैसे मैंने कहा आर्सेनिक डाल लो या फॉस्फरस डाल। अब फिर से वही वाली बात कि भैया ये अपने हर एक एडजेसेंट से, अपने हर एक एडजेसेंट से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, दोस्ती बनाने की कोशिश करेगा। तो मैं बस बीच वाले के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी सबके लिए भी आप ड्रॉ कर सकते हो, टाइम वेस्ट ना करें। हम इसमें सिर्फ मेन बीच वाले के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। तो भैया एक आर्सेनिक क्या करेगा, अपने चार इलेक्ट्रॉन्स तो ये दे देगा शेयरिंग के लिए, ये इसने चार इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग के लिए दे दिए। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सिलिकन दे रहा है, एक ये वाला सिलिकन, एक ये वाला सिलिकन, एक ये वाला सिलिकन, तो देखो बॉन्ड्स तो बन गए। लेकिन आर्सेनिक की वैलेंसी तो 5 है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो अभी भी यहाँ पे पहले से ही खाली रह जाएगा, जिसको किसी ने दोस्ती नहीं करी, ये खाली रह गया। तो अगर ये खाली है तो भैया ये किस काम का आएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के काम का आएगा, क्योंकि ये फ्री है। क्या भैया आपको ये बात समझ में आ रही है? सर रिपीट कर दो। भैया मैंने कहा याद रखो आर्सेनिक की वैकेंसी कितनी है, वैलेंसी 5 है, लेकिन हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, हमें तो बॉन्ड्स बनाने के लिए चार ही तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या ये वाली बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक है एक बार रिपीट कर देता हूं, जैसे मैंने कहा कि भैया मेरे लेफ्ट राइट आगे पीछे चार लोग बैठे हैं, लेकिन मेरे पास 5 चीजें हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जैसे वो बर्थडे वाला दिन की भैया टॉफी बांट रहा हूं मैं, मेरे पास है 5 टॉफीज, लेकिन बंदे ही मेरे पास सामने 4 हैं, तो भैया मैं 4 ही तो दे पाऊंगा। मैं किसी को एक्स्ट्रा भी नहीं देना चाहता, कोई मेरा इतना सगा भी नहीं है, खास भी नहीं। तो एक टॉफी में क्या करूंगा, एक टॉफी भैया हमारे पास पेंडिंग में रहेगी, फालतू में एक्स्ट्रा रहेगी। अब बात क्लियर हुई? यस सर। ये जो पहले से ही फ्री है, इसको तोड़ने के लिए कोई एनर्जी नहीं लगी, ये तो पहले से ही फ्री है। तो ये इलेक्ट्रॉन पहले से ही फ्री है, तो भैया ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के काम आएगा, क्योंकि जो भी चार्ज फ्री होगा उसका टारगेट यही होगा कि वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास पहले से ही फ्री है। अब क्या किया मैंने, अब मैंने एक एनर्जी देके बॉन्ड को भी तोड़वा दिया। सपोज इस वाले बॉन्ड को तोड़वा दिया, इस वाले बॉन्ड को तोड़वाया, तो भैया ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी जगह खाली कर देगा, यहाँ पे बन जाएगा एक होल,
और ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो मेरे को बताओ अब आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन खाली मिले और कितने होल्स मिले आपको? सर दो इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, तो इधर आपको दिख रहा है कि आपको दो इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं लेकिन होल एक ही मिल रहा है। ये तो मैंने केवल एक एटम के लिए ड्रॉ करके दिखाया, केवल एक आर्सेनिक एटम के लिए। लेकिन क्या मेरे स्ट्रक्चर में केवल एक ही एटम होगा? भैया एन नंबर एन एटम्स होंगे, मतलब बहुत सारे। तो अगर मैं बहुत सारों की बात करूं तो इसको 2 to the power n कह दूंगा। ये बात क्लियर हो रही है? तो इस तरीके से भैया मेरे पास 2 to the power n पावर्स बढ़ती जा रही है। तो मतलब इस तरीके से तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ होल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि एक पे टू पे पावर चल रही है। तो इधर यही हो रहा है कि भैया हमारे नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ होल्स से। तो इधर हमारे पास जो मेजोरिटी वाला होगा, मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट, वो इलेक्ट्रॉन होगा। इस चीज को हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। क्या किसी के लिए कुछ रिपीट? यस सर। क्या रिपीट करना है सर? एक बार फिर से रिपीट कर दो, जब आपने बोला कि जो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। हाँ देखो, एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से फ्री है। एक बॉन्ड तोड़ के मैंने इलेक्ट्रॉन फ्री किया, तो भैया हमारे पास फ्री लोग आए 2 लोग, लेकिन वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी तो एक ही तो खाली हुई। नहीं, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। चलो दूसरे तरीके से भैया, फिर से वही बेंच वाला एग्जांपल ले लो। भाई मैं कह रहा हूँ क्लासरूम में 2 बेंचेस हैं, यहाँ पे भी लोग बैठे हैं, यहाँ पे भी लोग बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ, लेकिन एक बंदा बैठना रह गया। मेरे पास क्लास में 2 बेंचेस हैं और एक बेंच पे 2 ही लोग बैठ सकते हैं, लेकिन मेरी क्लास की स्ट्रेंथ सपोज 5 है, तो भैया क्या करूंगा मैं? भैया जब बेंच पे 2 ही लोग बैठ सकते हैं तो 2 बेंच तो ऑक्यूपाई हो गए, लेकिन अब 5 लोग हैं तो एक बंदा तो बेंच पे नहीं बैठ पाएगा क्योंकि जगह है ही नहीं, तो एक बंदे को तो खड़ा ही रहना पड़ेगा ना। तो ये बंदा तो वेला है, ये बंदा वेला है, मतलब ये खाली बंदा है। इसको मैं चाहूं तो जहां मर्जी इसको यूज बोलूंगा, भैया तू वहां खड़े हो जा, जब तेरे को खड़ा ही होना है तो यहाँ की जगह वहां हो जा, वहां की जगह यहाँ हो जा। तो भैया ये वाला बंदा क्या करेगा? ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो अभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप क्या बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए? एक। और वैकेंसी कितनी है अभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए? वेरी गुड, तो मेरे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर मैं होल्स की बात करूं तो होल्स 0 है। अब मैंने क्या किया भैया, दोस्ती तुड़वाई। मैंने कहा भैया तू भी अपनी जगह खाली कर दे। दोस्ती टूटी, इसने अपनी जगह खाली कर दी और इसने इस वाले बंदे से दोस्ती कर ली। तो अब मेरे को बताओ टोटल कितने लोग खाली हो गए? 2 लोग खाली हो गए। वैकेंसी लेकिन कितनी है अब? 1। अब मैं कह रहा हूं ये तो मैंने एक बेंच के बारे में डिस्कस किया, ऐसे ही मेरे पास अगर क्लासरूम में 100 बेंचेस होंगे तो भैया उसी के हिसाब से ज्यादा लोग भी तो बाहर फ्री हो जाएंगे जब सबको खाली कराऊंगा। तो वही चीज मैं इधर समझा रहा हूं कि ये मैंने एक एटम के लिए ड्रॉ किया, एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए तो एक होल आया। अगर ऐसे मेरे पास एन एटम्स होंगे तो मेरे पास 2EN, मतलब इसके पावर एन के टर्म्स में इलेक्ट्रॉन खाली होना शुरू हो जाएंगे। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मेजॉरिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब क्लियर हुआ? यस सर। तो इधर चाहे तो लिख लो कि भैया इधर हमारे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है और होल्स किस में है? माइनॉरिटी में। तो इसलिए इसका डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं? भैया इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो ये बनेगा पॉजिटिव आयन। तो हम इसका डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, और इसके ऊपर ड्रॉ कर देते हैं एक इलेक्ट्रॉन कि भैया वो एक इलेक्ट्रॉन क्या इंडिकेट कर रहा है कि भैया ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा था, और इस वाले को हम कहेंगे बेसिकली डोनर। चेक करो यहां तक समझ में आ जाता है तो देखते हैं। पॉजिटिव आयन एंड एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा था इसके पास पहले से ही, वो मार्क कर रहे हैं और इसको हम कहेंगे डोनर।
डन सर. डन मे. वेरी गुड. ऐसे ही दूसरा है हमारे पास. वेरी गुड. दूसरा है हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर्स. तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में अब आपको काफी चीजें खुद से ही इमेजिन हो जाएगी कि पी टाइप के अंदर भैया हमने ऐड करी है ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज. ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होंगे नंबर ऑफ होल्स के कंपैरिजन में. तो इधर करंट का फॉर्मूला यूज तो अभी भी यही होगा, लेकिन इधर हमारा जो भैया मेजॉरिटी होगी वो होल्स की होगी. जो मेन कंट्रीब्यूशन होगा वो होल्स का होगा. तो इसलिए आप चाहे तो लिख सकते हो कि इधर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में होंगे और वेयर एज होल्स की बात करें तो होल्स हमारे पास इधर मेजॉरिटी में होंगे. बस फिलहाल लिख के इतना ही छोड़ दो. जो डायग्राम वगैरह है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. Done, sir. Wait. हाँ, कर लो.